आरवी उर्दू न्यूज सर्विस के मौजूद नाजरीन, आज के न्यूज बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ फ्रांसिस जेवियर। सबसे पहले आपको बताते हैं कि पोप फ्रांसिस ने मुकदस पौलुस रसूल की तब्दीली की ईद के मौके पर सेंट पॉल बेसिलिका में खसूसी इबादत गुजरानी। इस इबादत में बिशप्स, काहिन, सिस्टर्स और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई। पाप आज़म फ्रांसिस ने अपने पैगाम में कहा कि मुकदस पौलुस रसूल एक निडर, बेबाक और खुदा का सच्चा खादिम था। उसने बड़ी दलेरी के साथ अपना वो मिशन पूरा किया जो कि खुदा की तरफ से उसे सौंपा गया था। हम भी अपने उस मकसद को जो कि खुदा की तरफ से हमें अता किया गया है जानें और उसे पूरी जाफिशानी से पूरा करें। खुदा मोहब्बत है और इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना ही हमारा मिशन है। 18 जनवरी 2022 को सेंट जोसेफ कैथीड्रल लालकुर्ती में हफ्ते मसीही इत्तेहाद की इफ्तिताही तकरीब नहायत खुशी के साथ मुनक्कद की गई। यूक्रिस्टी इबादत की क्यादत फजीलत पाप आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद ने फरमाई। उनके हमरा रेवरेंड फादर आसिफ जॉन, रेवरेंड फादर जेकब जोसेफ डोगरा, रेवरेंड फादर एंथन इलियास, रेवरेंड फादर डेविड अनोश, रेवरेंड फादर सरफराज साइमन और इसके अलावा सेंट थॉमस चर्च से पादरी इमैनुएल लोरिन, सेंट पॉल चर्च से पादरी सैमुएल टाइटस और प्रेसबिटेरियन चर्च से पादरी हनोक डेविड और दीगर कलीसियाओं के रहनुमाओं ने शिरकत फरमाई। इस दिन को दुनिया और पाकिस्तान के तमाम गिरजाघरों के दरमियान इत्तेहाद और दीगर अकवाम और मजाहब के लिए गवाही देने के लिए मनाया गया। सीनिटी कलीसिया के हवाले से आर्च डायसिस ऑफ लाहौर में बैनुल कलीसिया इत्तेहाद की जानिब से 18 से 25 जनवरी 2022 के दरमियान हफ्ते मसीही इत्तेहाद मनाया गया। इसी मुनासबत से मोरखा 24 जनवरी को सेक्रेट हार्ट कैथीड्रल लाहौर में एक बैनुल कलीसिया दुआए तकरीब मुनक्कद की गई जिसकी सदारत आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने फरमाई। इस मौके पर मुख्तलिफ कलीसियाओं से ताल्लुक रखने वाले रहनुमाओं, काहिनों और मोमिनीन की कसीर तादाद ने शिरकत फरमाई, जिनमें तकद्दस मां बिशप इरफान जमील, कर्नल इमरान साबिर, मेजर राजा अजीज, पादरी सलीम, पादरी इमैनुएल खोकर, रेवरेंड फादर अशफाक एंथनी, रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा और रेवरेंड फादर निकाश शामिल थे। प्रोग्राम के दौरान तमाम कलीसियाओं के इत्तेहाद के लिए खसूसी दुआ की गई। फजीलत मां आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो इसके लिए किसी तरबियत की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो 100% मोहब्बत के साथ पैदा होता है। खुदा ने हमें मोहब्बत के लिए पैदा किया है, इसलिए आएं हम सब मिलकर अम मोहब्बत और इत्तेहाद के लिए अमली तौर पर कदम बढ़ाएं और इस दुनिया में खुदा की कलीसिया होने का सबूत पेश करें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ये हुक्म दिया है कि किसी से अदावत ना रखो बल्कि अपने दुश्मनों से भी प्यार करो। आखिर में रेवरेंड पादरी इमैनुएल खोकर ने कलीसिया इत्तेहाद की खसूसी दुआ में रहनुमाई फरमाई। रेवरेंड फादर आजम वयानी मंशा, जिन्होंने फिलिपाइन से अपनी कहनाना तरबियत कामयाबी के साथ मुकम्मल करने के बाद अपने अबाई इलाके शाह रसूल कॉलोनी क्लिफ्टन कराची में आकर पहली यूक्रिस्ती इबादत खुदा की नज़र गुजरानी। इबादत में पैरिश प्रीस्ट सेंट एंथनी चर्च कराची फादर आर्थर चार्ल्स और मास्टर रफीक रहमत ने मुआवनत फरमाई। इस मौके पर फादर जी के घराने और अजीज़ो कारब और इलाके के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कुछ दिनों के बाद रेवरेंड फादर आजम वयानी मंशा कराची से फिलिपाइन और फिलिपाइन से कैलिफोर्निया रवाना होंगे, जहाँ वो अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे। तेज हवाओं की बदौलत कायदे आज़म कॉलोनी और गरीब आबाद कराची में सर्कुलर रेलवे मुतासरीन की आर्जी जुगियाँ हवा में उड़ गईं। लोग जो पहले ही नहायत कसमपुरसी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और ज़्यादा मुश्किलात से दो चार हो गए हैं। मुतासरीन की मदद के लिए सदर सर्कुलर रेलवे एक्शन कमेटी ने कॉलोनी में पहुँच कर तमाम हालात का मुआयना किया और हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी करवाई। नाज़रीन, आज के न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। फ्रांसिस जेवियर को इजाज़त दीजिए। उर्दू न्यूज सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज। अमन और सच्चाई की इस आवाज के साथ हम आवाज होने के लिए अपनी डायसेस, पैरिश, तालीमी और फलाही इदारों की सरगर्मियों की खबरें आरवीए के इस ईमेल और व्हाट्सएप नंबर पर भेजें। ईमेल है rvaurdunews@gmail.com, व्हाट्सएप नंबर है 00923334595। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरिटास एशिया।